और निम्नीति कमाने कदे रे जा कोरो कदे रे जा कच्चो कदे रांगा लको कदे चूंग जा बाछो को गाय को बाछो आपकी नीना बाछो समझा के 100% बात या है सत्य है कि बीड़ी ना चिलम चोगिर चिलमाम सोको रोकना उस ने पिनो चोको दुनिया ने दुख मत दियो जय सिया राम। नहीं जी अब मोबाइल वगैरह बंटे मोबाइल वगैरह बंटे किट वगैरह बंटे आंगो फर्क पड़ सी औलाई काम कर सी कोई मोटार नंबर वासी विद्वान दे और किसे मोबाइल बंटे तो। तो नमस्कार दोस्तों, थारो एक बार फिर स्वागत है अपनी चुनावी सर्वे के अंदर। अब फिलहाल मैं सरदार शहर में ताल मैदान में अटे चुनाव को क्या कुछ माहौल चाह रही है कौन सी पार्टी अटे थारा एडियो जीत सके वो अटे आप सर्वे कर सा। तो राम राम तव जी। राम राम भाई, राम राम। नाम बताओ थारो। मेरो तो आसनाथ है भाई। कौन सा गाँव गाँव थे अटे गए गिड़गिचिया गाँव। तो थारा एडियो चुनाव का कौन सी पार्टी जीत पूछता हो यहाँ आप देख सकते हैं गम में जाके माहौल तौल किए हैं अब बारहों आ रहे हैं बस और घर पुग गई कौन। अच्छा मीनू कटरो बारा है हैदराबाद वहाँ बट के माहौल बटे तो माहौल मार बढ़िया है मार तो बटे की माहौल का अपन पड़ता है कौन ही मारा बढ़िया है बढ़िया है। ताऊ जी थारा नाम बताओ दिखा। अमरनाथ थे सरदार शहर गए हो गए सरदार। थारा आईडी हूँ चुनाव के माहौल है कौन सी पार्टी जीत सके। तो कांग्रेस की पार्टी जीत नहीं है रहा काम तो की होना कौन है बाकी जीत सी है बीजेपी में थारा आईडी हूँ अब कटी गटकी नहीं मिल सके है अब बेमत के ठाप गया सोग नहीं मिल सी एक शराफ जी नहीं मिल सी वो तो अगला जाना है। नहीं बीजेपी की जिया के कमियां लाग रही था जी की करंट सरदार शहर में जीतन कौन लाग रही बीजेपी चिंती करने टेट को नहीं रागे रहा करने टेट भी ना किया जी चीज। अब कह जिया क्या कैंडिडेट साहित्य तक चेंज हो सके लिस्ट आए बाद में 7 तारीख ने ठा पड़ सी अगर मान लो कैंडिडेट चेंज हो जाए तो बीजेपी जीत सके जीत सके क्यों नहीं बीजेपी को बीजेपी माड़ो थोड़ी करे बापड़ी बिगाड़ तो किसो कर रही कौन है काम कौन करा रहा सरदार शहर में तो किसो विकास हो सी जीते डाई कौन करा है जीते बाद में देखा कौन मैं तो कह खटे सी रहो है। नहीं जी अब मोबाइल वगैरह बांटे मोबाइल वगैरह बांटे किट वगैरह बांटे आगे फर्क पड़ सी औला काम कर सी कोई मोटार नंबर वा सी विद्वान दे और किसे मोबाइल बांटे तो कोई चौका काम करे तो है। आज के टाइम में क्या मोबाइल की आवश्यकता भी हो तो वो भी को फायदा को नहीं हो आग लागे बैलेंस को नहीं लाग रही आवश्यकता हम क्या में करावा है अरे एक दिन को दे नेट है तो नेट भी है नेट तो ले कुछ और नवी को और ऐड है सरदार शहर का आंगो भी सुझाव ले ले आप। राम राम भाई नाम बताओ यार। राम राम भागीरथ गोस्वामी मालसर तहसील सरदार शहर जिला चूरू मालसर का होते अरे बैठ जाओ अपना राम बैठ जाओ। तो चुनाव को क्या कुछ माहौल चाल रहा था आईडी कौन सी पार्टी जीत सके चुनाव को देखो ये है कि मोहनलाल जी का काम बढ़िया करवाया है अनिल जी जीते है पिछली बार उपचुनाव और अभी भी वांगो भी माहौल है और इन्हें पिंचन टिकट मिला शायद पिंचो जी तो शायद ही आए पर मिश्राफ ने मिल जाओ तो कह कौन सा पलटो मारी जाओ बाजी थारा आईडी हूँ जी मोबाइल वगैरह मिले है आपने तो आंगो कुछ फायदा मिल सके मोबाइल वगैरह के मारे गाँव को तो एक वो इंटरव्यू लियो थे लियो कण लियो रेवंत राम जी भादू को कहे मैं मेरे लुगाई कुनू सुनियो जी मेरे लो मोटे यार मर जा तो विधवा होती मन नहीं मिलते गए वो सिस्टम है और ताऊ जी बताने ला रहे मोबाइल में तो शायद ही फर्क पड़े कुछ भी फर्क नहीं पड़े बीजेपी का जका मोबाइल ले गए कह के वोट तो मैं ले लियो मोबाइल तो ले लियो बाकी वोट बीजेपी ने देशा मोबाइल दे के बनते हैं मोबाइल दे की कौन बंटना बस थारू किसो गाँव है सरदार से भी है। तो थार नाम बताओ पहले तो जगदीश। तो जगदीश जी थे अठे सरदार शहर में मतलब इतने सालों का बीजेपी हारने लाग रही है तो बीजेपी की के कमी रहने लाग रही है जिसके कारण हारने लाग रही है और के बंग चीज नहीं सुधार करनी है आ रहने लाग रही है जका अठ सरकारी कष्ट कर्मचारी है जका चाहे का सरदार शहर में ड्यूटी रहे वो अपने विधायिका वो काम है का अठ वो कारण है लेकिन जो लेबर टाइप वो आदमी है जो हमारा टाइप वो आदमी है फिर सारा बीजेपी चावे मारो दो नंबर वार्ड है बीजेपी नहीं लेवा में आपका मतलब थे को अटे सरदार शहर में बीजेपी जीत से ही आ से कांग्रेस आती आ रही है एक ही मन फायदो बता दियो कि ये वो लाभ सरदार शहर में बता दियो और भी कोई तीसरी पार्टी टक्कर देश का गेट सरदार शहर तहसील में टक्कर कौन दे सके वो तो भलाई कर दियो टेढ़ मेढ़ भलाई कर दियो लेकिन मन तो लागे कोनी बीजेपी ही आ से वो का मोबाइल वगैरह बांट रहे किट वगैरह बांट आंगो कोई फायदा मिल सके हम कास तोरू घाटो हुए कांग्रेस के घाटो इं हुए कि एक घर में दो मोबाइल मिल गया एक में एक ही कौन मिलियो लेकिन
बात चीज लुगाई कौन जाने भाई चढ़े भाई माने कौन दियो आने घर में दो मिल गया तो हम मोबाइल आऊँ तो घाटो ही हुए कांग्रेस के। तो दोस्तों ए आठ है ताल में सरदार सर के जगह कुछ नागरिक एवं सुझाव और आप घूमा फिरा और थाने जिया दिखावा के कुछ हवा चाल या कौन सी पार्टी जीत सके। नमस्कार भाई साहब थारो नाम बताओ बेल बहुत। नाम नवीन कुमार राव। नवीन कुमार जी सरदार सर के ही हो गए। बिल्कुल। तो अट्ठे सरदार सर में अपने के चुनाव को थाने के माहौल लाग रहे है किन टिकट वगैरह मिल सके और कौन सी पार्टी जीत सके। अरे तो एक ही कांग्रेस कांग्रेस जीत सी अनिल भाई जी आपने पहले तो बमला जी ताऊ जी है अब अनिल भाई जी है। तो अब जी हाँ बीजेपी की सिक्के कमियाँ रहने लाग रही है जिसके कारण बीजेपी के सरदार सर में जीतन कौन लाग रही है। बीजेपी में ही है कि बीजेपी वाला कभी संभाले दात कौन से है ने चुनाव आवे भी टाइम ध्यान देवे और कोई चुनाव लड़े जगह के दिया हुआ है ने कोई बात कोई हॉस्पिटल में आवे ने कोई और लेना अनिल भाई जी अब एकदम छतरे करे वांग भाई जी केसर भाई जी भी आवे बे संभाले वांग आदमी संभाले अनिल भाई जो लड़को है वो संभाले कोई भी एक्सीडेंट हो जाओ तो भाग रहा है और भी कोई समस्या हो तो आगे तुरंत काम करे शहर का मैंने मतलब आम आदमी में जुड़ेड़ा आदमी है कोई समझाएगा मान तो अनिल भाई जी जीता लगे। अब का जी हाँ कांग्रेस के अंदर भी थोड़ा आपसरी में मतभेद हो रहा है और टिकट को भी कई कैंडिडेट खड़े हो गया तो बंग अंदर थारा आइडिया वन 100% टिकट मिल जी टिकट तो हमारे हिसाब से क्योंकि वर्तमान विधायक है टिकट आएंगे 100 में 100% टिकट कट जानी है। तो बाकी जिका कैंडिडेट है बंग पीछे जी हाँ मान लो मतदाता है तो वो नुकसान हो सके थारे डियो ये है कि देखो थोड़ा बहुत उतड़ पुतड़ होता है हर चुनाव में बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी वो लंबो चौड़ो फर्क कौन पड़ा हमारे हिसाब से लंबो चौड़ो की फर्क कौन पड़ा। आपने सरदार शहर में विकास थारे डियो कितो कौन लाग रहा है। विकास भाई जी मारते साहब बहुत जोर कौन लाग रहा है हॉस्पिटल को तो घोषणा करी थी बना रहे बैठे इन्हें ढाकर बड्डो करने लाग रहे हैं सड़का सड़का सब एकदम टना टना कोई दिक्कत को नहीं बाजार में व्यापारी आपका शांति व्यापार करने लाए रहे कोई परेशानी को नहीं। तो ताऊ जी थोड़ा नाम बता दो पहले बहुत। मेरा नाम कृष्ण लाल जी प्रजापत है घोड़ेला साहब। तो कृष्ण लाल जी थाने चुनाव को क्या कुछ माहौल लाग रहा है। माने चुनाव को माहौल है जो को अच्छो परिवर्तन कर सी अच्छो भाव राख सी अच्छो नेह राख सी अच्छो जो अच्छी जगह की सोचो सी जीत सी वो और रही बात है जो जीत सी वो जीतो वो मारो है और मारो है जगह के माने दुनिया के माने आज की दूधा नाओ पुता फलो बेल बदो जड़ कटो आ कर त्यारे है आज दुनिया में आज तानी सह करता है यदि बा कोई नहीं कर सी तो वो मतलब सक्सेस फुल हो सी। और रही बात है कया रामनीति राजनीति चाणक्य नीति काल नीति लठ नीति प्रेम नीति आनंद नीति विदु नीति सबसे नीति बढ़िया है जिसकी निवण नीति और निवण नीति का मायने कदे रह जाए कोरो कदे रह जाए काचो कदे ग्रांग हाल कौन कदे चूंग जा बाछो को गाय इनको बाछो आपकी नीना बाछो समझा कि 100% बात यह है सत्य है कि बीड़ी ना चिलम चोगी चिलम सोको रोकना संदेह पीणो चोको दुनिया ने दुख मत दो। जय सिया राम। जय सिया राम। जोर को बोलियो समझ में तब वीडियो देख गई आज के बोले बाकी बोले तगड़ा है तो थे कटा का बताओ जी थे मेरे गांव रतनगढ़ साहब रतनगढ़ प्रॉपर प्रॉपर रतनगढ़ है अठमेरो रहवास है और बहादुर सिंह कॉलोनी का मेरो घर है और मैं रामनीति को आदमी हूँ। इस वास्ते आप लोगों ने निवेदन हो ये कि बढ़िया काम करो बढ़िया कार्य करो जो आदमी सक्सेसफुल हो सी चाहे वो कोई चंजी हुए मारो काम जीता जुगो सो मारो और मारो जीता ही जीत सी। जय सिया राम। तो साहब था नाम बताओ पहले। मेरा नाम राजू सिंह है। सरदार शहर का ही हो गए सरदार छोटी सोए का। तो अर्थ है जी सरदार शहर में दिन रात रहो थन के कुछ माहौल लाग रहे हो अपने थोड़ा सा इन हो जाओ। माहौल तो देखो के यहाँ है कि जीत ही जगह सुना पड़ी भी टाइम इठा लागी कौन के है जो पहले तो के पता लगे नहीं एक जी लोग बाग बात करे आइडियो पहले लगा लिया यार ये पार्टी को जिक्र ज्यादा होने लग रही हो आ पार्टी जीत सके तो अटा जी लोग बाग आयो भाई नाम तो बमलाल जीरो है जहाँ अपने सुनील जी है नहीं आरो चाल रहे अनिल जी अनिल जीरो सॉरी नाम तो बने टाको पूरा कैंडिडेट और घने हो रहे सुनील जी और लेवल राजनीति में कभी पड़े ही को नहीं था। और थार कोई सरदार सर में आपने थारा आइडिया हूँ एकदम बढ़िया विकास हो रही है कोई कमी शमी कोई लाग रही है ना मान तो कोई कमी कौन लाग रही बढ़िया विकास हो रहा है। तो दोस्तों मैं कुछ और सरदार सर का जिसका नागरिक है बांख नाए हूँ तो बंगा के कुछ सुझाव है पूछ लिया साहब सर नाम बताओ पहले बहुत। अरविंद चोटिया। अरविंद जी सरदार सर में आपके के माहौल चार या कौन सी पार्टी जीतने का चांस लगे था ना। सरदार सर में साहब होती तो टिकट वितरण ही कोनी है अब टिकट वितरण के हिसाब हूँ फिर कोई आंकलन लागे बाकी 35 साल हूँ दादो जी चाल रही है सांगो पांग सरदार सर में कोई दिक्कत ही कोनी कोई समस्या ही कोनी
और रही बात बीजेपी में, तो बीजेपी में अशोक जी पिंता है 5-6 बार हार गया, बाकी सामने कोई टिकट मांगना रही कोनी, हालात ही आ अब इस साल अब के कोई पलाजी शराब है माथो चक्यू है बाकी सामने, तो संभावित में सूची है बाकी। सर नाम बताओ पहले, नाव कोनी यारो नाव है गजानंद। आपने किसी पार्टी को मोहल्ला के किसी जीत से कहा अपनी, तो भाई जी जीतने तो बीजेपी आसी, बीजेपी आसी सुरेंद्र श्राप आओगे गणेश जी, किसी पार्टी आपने सुधार शहर में पकाए जीत सका के कुछ माहौल चल रहे है, मेरा टिकट मिलने का ऊपर बाद में दावेदार दुनिया के ऊपर रहे, ये कौन सी पार्टी में दम है कौन सी कोनी। एक तो जिया कांग्रेस पार्टी इतना सालों जीतती आने लग रही है, और अब की बार जिया पार्टी में जिया थोड़ो मतभेद चल रही है टिकट खातर जिया कई कैंडिडेट आ गया, तो थारा आइडिया टिकट किन मिल सके कांग्रेस में? अनिल भाई जी की टिकट तय बतावे पूरी, और राजू भाई जी भी सॉलिड बतावे, मैं राजू भाई जी की भी जीत बताया और अनिल भाई जी की बताया, दोनों टिकट मिलना का ऊपर है।